सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत मैं हाँ दीपिका खोसला ते तुसी देख रहे हो साडा खास प्रोग्राम न्यूज़ दिस वीक। इस प्रोग्राम दे विच असीं इस हफ्ते दी खास खबरां दा जिक्र करांगे और शुरुआत असीं करांगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो। जी हाँ, एक पासे जिथे पंजाब दे विच संगरूर दे विच जो मौतां हो रही ने शराब पीण नूं लैके वह मामला गरमाया रहा है तो उहदे बराबर ही कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला भी भखिया होया है। पूरे देश दे विच यह मामला खासा चर्चा का विषय बनया होया है और क्योंकि दिल्ली दे विच भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब दे विच भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, सो स्थितियां इत्थे बेहद गंभीर आम आदमी पार्टी दे लई बनदियां नजर आ रही ने क्योंकि दिल्ली दे विच भाजपा आम आदमी पार्टी नूं घेर रही है तो पंजाब दे विच अकाली दल कांग्रेस और भाजपा तीनों धिरां दे वल्लों आम आदमी पार्टी नूं घेरिया जा रहा है। तां तुहानूं दस दईए कि अरविंद केजरीवाल ईडी दे अगे पेश हुंदे ने। ईडी दरअसल दसवां सम्मन देण लई अरविंद केजरीवाल दे कोल पहुंची सी, दो घंटे की पुछगिछ हुंदी है, शराब पॉलिसी के मामले दे विच पुछगिछ की जाती है और उस तो बाद तुरंत प्रभाव दे नाल गिरफ्तारी हुंदी है। उस गिरफ्तारी तो बाद आम आदमी पार्टी के लीडर ते वर्कर सड़कां दे उत्ते उतरदे ने और स्थिति जो है तनावपूर्ण भी बनती है और इस सब दे विचाले ईडी जो है अरविंद केजरीवाल नूं अपने नाल लैके जाती है। उस तो बाद अदालत दे विच भी पेश किया जाता है, मैडिकल भी करवाया जाता है, छे दिन की रिमांड जो है अरविंद केजरीवाल की ईडी नूं मिल चुकी है। सब दे विचाले अगर असीं सियासत की गल कर लईए तां सियासत गरमाई हुई है क्योंकि एक पासे इंडिया गठजोड़ जो है अरविंद केजरीवाल दे नाल डट के खड़ा हो चुका है, लीडर इस नूं पोलिटिकल वेंडेटा दे तहत कार्रवाई दस रहे हैं। भाजपा की गल कर ली जाए, भाजपा सीधे तौर उत्ते दावा कर रही है कि कोई पोलिटिकल वेंडेटा दे तहत कार्रवाई नहीं की जा रही, शराब पॉलिसी नूं लैके जांच पहले ही आरंभी हुई है, कोई पुख्ता सबूत ईडी नूं मिले ने उसके चलदिया कार्रवाई विधी गई है और अदालत जो कार्रवाई कर रही है, अदालत जो फैसले सुना रही है उसते किसी नूं किंतु परंतु करना नहीं चाहिए। सो भाजपा के बयान सामने आ रहे हैं पर इस सब दे विचाले वड्डा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, यह भारत के इतिहास दे विच पहली बार होया है कि सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई होवे, क्योंकि जो भी इस तरह की गिरफ्तारी की कोई नौबत आती है तो अमूमन मुख्यमंत्री अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता है और कोई नवा चेहरा मुख्यमंत्री का कुर्सी उत्ते बैठता है, पर अरविंद केजरीवाल के केस में अजिहा नहीं होया। अरविंद केजरीवाल जो ने अजे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आतिशी का बयान सामने आता है जिस विच साफ आखते हैं कि सरकार बेशक जेल जो चलेगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और तुहानूं दस दईए कि पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के नाल गलबात करते हैं, हालांकि कोई बहुत लंबी चौड़ी गल नहीं होंदी, कुछ ही सैकेंड की गलबात हुई है और उन्होंने उहदे विच दावा किया है कि मैं देश दे लई और दिल्ली वासियां दे लई जो काम करदा आ रहा हाँ वो काम करदा रहांगा और ईमानदारी दे नाल काम करदा रहांगा और फिलहाल चाहे मैं जेल दे विच रवां चाहे जेल तो बाहर रवां। ते स्पष्ट कर गए अरविंद केजरीवाल अपने बयान दे विच कि दिल्ली दे मुख्यमंत्री उही रहणगे। फिलहाल तुहानूं बयान सुणाउंदे आ तो उस तो बाद इस पूरे मामले ते दिल्ली तो लैके पंजाब तक किवें सियासत पक्खी की प्रतिक्रियावां सामने आईआं उह वी सुणावांगे। इधर अरविंद केजरीवाल का बयान तुसी सुनिया और उस तो बाद सीएम भगवंत मान भी दिल्ली पहुंचते हैं, परिवारक मैंबरां दे नाल मुलाकात करने की कोशिश रहती है और उस तो बाद पत्रकारां दे नाल गलबात की जाती है। तुहानूं दस दईए कि अणऐलानी एमरजेंसी की गल सीएम भगवंत मान आखते हैं कि भाजपा लोकतंत्र का घाण कर रही है और इंज लग रहा है जिवें लोकसभा चोणां दे मद्देनज़र एक एक करके विरोधी घेरे जा रहे हैं, एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उस तो यही स्पष्ट हुंदा है कि देश दे विच अणऐलानी एमरजेंसी लगी हुई है कि सरकार के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं सकता। मीडिया अदारियां नूं लैके बयान सामने आता है सीएम भगवंत मान का, पंजाब दे विच की कुछ केंद्र दे वल्लों धक्केशाही की जा रही है, किवें फंड रोके जा रहे हैं, किवें पंजाब दीआं झाकियां रोकिया जा रही ने, उस नूं लैके भी सरकार नूं घेरदे होए नजर आ रहे हैं। हालांकि पंजाब दे विच खुद सीएम भगवंत मान भी घिरदे हुए दिखाई दिते लेकिन दिल्ली पहुँच के किस तरीके दे नाल उन्होंने भाजपा के उत्ते निशाने साधे और अपनी पड़ास कढ़ी आओ सुनते हैं। क्या हस्पताल बनाने वाला आज दिल्ली में हस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेके 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं, आप लोग भी जाते होंगे आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो, अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सुरेंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला
जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहाँ है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद कराने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है, ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई, क्यों जी? आजादी में 80% योगदान था हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, और 15 अगस्त और 26 जनवरी आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर? किसने, वो खोते कौन है शहीद भगत सिंह की झांकी को, जिसमें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जलियांवाला बाग का कांड, जिसमें वो थे झांकी में, उनको रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं? ये भगत सिंह से बड़े हो गए जिन्होंने देश लेके दिया, अब उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं? मुझे तो ये शक है, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जनगण मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे, अगर इनका बस चले तो। इतनी नफरत करते हैं ये। गल कांग्रेस की करांगे, क्योंकि कांग्रेस बेहद दिलचस्प भूमिका निभाउंदी हुई इस पूरे मामले च नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली की गल कर ली जाए तो दिल्ली के लीडर, इतों तक कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के नाल खड़े नजर आते हैं। वो साफ तौर उत्ते आख रहे हैं कि लोकतंत्र का सीधा सीधा घाण किया जा रहा है, पोलीटिकल वनडेटा के तहत भाजपा जिहियां कार्रवाइया कर रही है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है भाजपा। पर दूसरे ही पास पंजाब की गल कर लीए तो पंजाब की लीडरशिप हाईकमान तो बिल्कुल वक्री तुरदी हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की कोई कोर कसर आम आदमी पार्टी घेरण के छड़ी नहीं जा रही, और जिस तरीके का निशाना रवनीत बिट्टू के वलों साध्या गया वो अपने आप ध्यान मांगता है, क्योंकि तिखा तंज कसया गया है कि कुछ कह रहे हैं, आओ सुनते हैं। बड़िया चंगिया बदलाव की गल की, इमानदारी की गुड़ती देने की गल की, किन्हां ने? केजरीवाल साहब ने। जिमें कहते हैं ना, बारों बारी अपनों अपनी, ये बारी आ। तुसी उस वेले भुल गए। सब तो पहला तो मैं जिहड़े पंजाब च तुसी आ बोर्ड लगे देखे हर कोने कोने ते, इहदे मैं नंबर बदल दवां पहला। आ तुसी सारे पंजाब दे विच, पंजाब करोड़ां रुपए का भरिया भी असी करप्शन फ्री करन लई 300 बंदा, तुसी सारे पंजाब च आ बोर्ड देखिया हुण, 300 बंदे असी फड़े, ते इहनू मैं ठीक कर दवां, ते इहनां नूं इह कहां भी जिहड़े अपने बोर्ड ने उहनां दे अगे 301, इहनूं कट के 300 नूं 301 कर देण। इह 301 केजरीवाल साहब दा, 301 केजरीवाल साहब इहदे विच शामिल हो गए। हुण इह ला दिओ बोर्ड, हुण कंजूसी ना कर जिओ पैसे दी, क्योंकि ये शराब के घोटाले च गए ने, लिकर चे च गए आ। हुण उदों बाद 301 दा 302 बनना है, 302 नंबर भी बड़ा है, 302 वधिया। ये 302 किहदा बनना है? क्योंकि भगवंत मान साहब जिहड़े मुख्यमंत्री ने पंजाब दे, ओहो ते नाल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਫਲਾਨੇ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਟ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇੰਨੇ MLA ਸਿੱਟ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ED ਕੀ ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਘਰ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਥੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੇ ਆਫਿਸ ਸੇ, ਪਰੰਤੂ ਵੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸੁਬਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਕੋਈ ਰੀਲ ਪੇ ਡਾਲ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਕੋਈ TV ਪੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਖਬਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਵੋ ਨਦਾਰਤ ਥੇ। 7 ਵਜੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਰਹਾ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਨੇਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ, MLA ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਬਹ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਟੱਪੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਦਾਰਤ ਥੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਥਾ ਸਭ? ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਦਾਰਤ ਥੇ, ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਦਾਰਤ ਥੇ, ਹਮਾਰੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੋਨੋਂ ਗਾਇਬ ਥੇ। ਇੱਕ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਇੱਕ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਜਬ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਕਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਪੜੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੇ ਪੜੇਗਾ, ਵੋ ਇਸੀ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ED ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਸੇ ਪੂਛਤਾਛ ਚਾਲੂ ਹੋਗੀ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਕਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਕਾਮ ਕੇ ਲਈ ਆਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਮਾਡਲ, ਡੈਲੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਜੋ ਥਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਨਕੇ ਕਰਿੰਦੇ, ਉਨਕੇ ਜੋ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਹਾਂ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਏਕ ਸੇ ਤੋ ਪੀਛਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਥਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਭੀ ਵੀ ਕੁਛ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗਿਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
केजरीवाल साहब नूं इस करके बीजेपी अरेस्ट कर रही है कि जिस तरीके नाल लखीमपुर खीरी दे कातल नूं और कातल दे प्यो नूं मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट च भी रख्या है ते फिर टिकट नवाजिया उहदे खिलाफ जिहड़ा है केजरीवाल साहब आवाज बुलंद करते रहे हैं। केजरीवाल साहब नूं इस करके बीजेपी ने अरेस्ट किया है कि जिहड़ियां साडियां ओलंपियन कुड़ियां जिहड़ियां कई महीने धरने ते दिल्ली बैठियां रहियां जिहदा बीजेपी दे जाखड़ साहब तुहाडी पार्टी दे एक मैंबर पार्लीमेंट ने ब्रजभूषण ने सैक्सुअल हरासमेंट की आ लेकिन तुसीं जस्टिस नहीं दिता। बाबा साहब अंबेडकर दे संविधान नूं बचाउण लई अरविंद केजरीवाल जी की आवाज जिहड़ी है संसद तो लैके सड़क सड़क तो लैके देश के जन जन तक हमेशा गूंजती रही है और असी कंप्रोमाइज नहीं किया। असी बीजेपी की उस वॉशिंग मशीन च नहीं धुपे जिदे राही तुसी चाहे वह नारायण राणे होवे चाहे अजीत पवार होवे केजरीवाल साहब अजीत पवार नहीं बने केजरीवाल साहब हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं बने केजरीवाल साहब जिहड़ा सुभेंद्र अधिकारी नहीं बने जिन्होंने बीजेपी के अगे डो गोडे टेकते। और मैं तुहानू भी कहना चाहुंदा जाखड़ साहब जे अज तुसी भी कांग्रेस च होंदे ना ते अज तुसी भी जेल के अंदर तुहानू भाजपा ने जिहड़ा बंद कर देना सी। भाजपा दे खिलाफ जिहड़ी आवाज उन्हां दीआं गलत नीतियां दे खिलाफ खड़ी हुंदी आ उठदी आ उहनू सज़ा इसे तरीके नाल दिंदे आ। तुसी कहिंदे हो शराब का स्कैम होया शराब का कतला कपला होया। मैं दसना चाहुंदा जाखड़ साहब तुहानू अज तक दो साल तो वध समा हो गया साड़ी आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर तुसी जेल च बंद किया भाजपा की मोदी सरकार ने एक नवा पैसा एक नवी पैनी जिहड़ी अज तक बरामद नहीं हुई आम आदमी पार्टी के लीडर को एक भी एविडेंस नॉट ए सिंगल एविडेंस बीजेपी की मोदी सरकार जिहड़ी है वह आम आदमी पार्टी के लीडर के खिलाफ जिहड़ी हजे तक कोर्ट च पेश नहीं कर सकी। तो उथे ही गल अकाली दल की कर ली जाए तो बिक्रम मजीठिया के वलों भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नूं लेके टिप्पणी की गई है। नाल दे नाल जो संगरूर दे विच मौतां हो रही ने शराब नूं लेके उस नूं लेके भी मान सरकार से हल्ला बोलिया गया कि कुछ क्या आओ सुनते हैं। देखो मैनू इस गल का दुख है मेरा यार फड़ लिया मैं तो पता भी लैन जाऊंगा और ओनू हौसला भी दे के आऊंगा कि कोई ना जेल च घबराई दा नहीं हुंदा ही सारे तेरे नाल है तू तगड़ा होके जेल का समा कट ला। बाकी देखो जिहड़ा बंदा वायदा करदा सी कि लोकपाल बनावांगे नहीं बनाई अज सब तो वड्डा माफिया शराब दा और रेत माफिया खनन माफिया चलाउण वाले लोग जिहदे नाल आम आदमी पार्टी दी फंडिंग हुंदी सी उह तां हले दिल्ली दे फड़े गए आ पंजाब दे भी फड़े जाण और मैं पहलां कहिंदा सब फड़े जाणगे हुण हौली हौली कम चलिया हुंदा उधर नूं क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि केजरीवाल साहब ने आपदे हर वायदे तो समरसॉल्ट किया। वीआईपी कल्चर कट्टर ईमानदारी की बात करते थे जितना घपला हर स्कीम में हो रहा है चाहे शराब है चाहे रेत है चाहे और चीज़ें जिस दिन इंक्वायरी होगी आपके सामने आ जाएगा। या चब्बेवाल साहब जो एक एमएलए हैं कांग्रेस के उसकी इंक्वायरी इन्होंने कराई अब जब वो चले गया है आम आदमी पार्टी में तो पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर लिया कौन सी वॉशिंग मशीन में निकाल दिया कि अब ठीक हो गया और कंप्लेनेंट कौन था उसमें आम आदमी पार्टी का लीडर। सो ये जो बातें थी ये चर्चा के विषय थी नोबडी इज अबाव द लॉ जी एंड ये ठीक है कि आज केजरीवाल साहब को अंदर दे दिया। मेरे को तो लगता है सबसे बड़ी खुशी भगवंत मान को होगी अब तो भगवंत मान जी की कहते डायरेक्ट रिपोर्टिंग बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी। मेरा वीर जिन्ना बंदिया ने दिल्ली घपला किया और जो पॉलिसी बनाई गई सी ओही पॉलिसी पंजाब चे बनाई गई है ओही मार्जिन इनक्रीज किए गए ओही लोग ने ते जे दिल्ली चे घपला तो पंजाब चे तो है ही तुसी किवें L1 77 तो घटा के 7 करते और 4 बंदे 3 बंदे सारा मुनाफा कमा गए वह कौन जिहड़े दिल्ली फड़ के अंदर दिते। इनकुआयरी का विषय मगर पंजाब च मैं समझदा इनकुआयरी नहीं हो रही
क्योंकि किथे ना किथे पंजाब दी सरकार दिल्ली दी केंद्र दी सरकार दे इशारे ते चल रही है। देखो कल भी शराब रिलेटेड डेथ्स हुई ने एक्साइज मिनिस्टर दे हलके च हुई है और यही केजरीवाल साहब और एक्साइज मिनिस्टर भगवंत मान उस वेले मैं वीडियोज ट्वीट की कांग्रेस वेले भी यही कुछ तरन तारण च होया सी। इन्होंने सीबीआई इनकुआयरी मंगी सी और वजीर का इस्तीफा मंगया सी, फिर अज क्यों नहीं सीबीआई इनकुआयरी, अज इस्तीफा क्यों नहीं हरपाल चीमे का। सो ये सारी गल्लां च ये फसदे नज़र आ रहे हैं, मगर किते ना किते मैं महसूस करना कि केंद्र की सरकार भगवंत मान प्रति सॉफ्ट है। हाँ बिल्कुल कामयाबी मिलेगी जी भगवंत मान जी नूं, 0-13 दा ये रिकॉर्ड कायम करनगे, मैनूं उन्हां वल्लों शुभ कामनावां ने, बधाई देना चाहुंगा। मजीठिया साहब शराब तस्करी दे विच पंजाब मोहरी बन गया, बिहार दे विच 10 लाख लीटर शराब जिहड़ी हैगी आ ओह तस्करी होई पंजाब तों। उन्हां ने चिट्ठी लिखी है कि पंजाब सरकार दे उत्ते पंजाब ते काबू पाया जावे क्योंकि 42% हिस्सा जिहड़ी बिहार च शराब दी तस्करी हुंदी ओह पंजाब चों आ रहा। तो कहिंदे कि इलैक्शन कमीशन, इह इक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इलैक्शन कमीशन दी एक फाइंडिंग है, एक रिपोर्ट बनी है। हुण इत्थे एक्साइज दा महकमा कौन चला रहा, फिगर हैड हरपाल चीमा, असल इस कारोबार नूं चलाउण वाला भगवंत मान, और दूजे जिहड़े उहदे नाल चलाउंदे आ उह सिसोदिया अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बंदे मैं फिर तुहानूं दसां दिल्ली वाले आ, ते जे दिल्ली वाले फड़ ले इत्थों शराब उत्थे जा रही है। IMFL इंडियन मेड फॉरन लिकर दी सेल पिछले 10-20 साल च इन्नी नहीं वधी जिन्नी आ 2 साल च वध गई। हुण इहदा इह मतलब थोड़ी कि भगवंत मान वध पीण लग गया कल्ली, मगर इहदा मतलब इह भी है कि आप भी पी जांदा ते होर भी पिलाई जांदा लोकां नूं, ते थल्ले लिख दिंदे लिकर इज इंजुरियस टू हेल्थ। इह जी चीज़ां की जाँच होनी चाहीदी। इह बिहार च भी भगवंत मान मारका बिक रहा, मैं तो बिहार के भाईचारे नूं बेनती करूँगा कि भाई बच के पीओ, इत्थे अगे 8 चढ़ गए आ, उत्थे ना चढ़ा दिओ किसे नूं। थैंक यू। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਰਾਜ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਢੋਲ ਬਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਗਰੀਬ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ, 22,000 ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ED ਵੱਲੋਂ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 9 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਨ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਟੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸੋਚ ਜੁੜੀ ਹੈ ਲੋਗੋ ਕੀ, ਜੋ ਉਨਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਕਦਮੋਂ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕੈਸੇ ਪਕੜੋ, ਉਨਸੇ ਕੈਸੇ ਕੈਦ ਕਰੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,
वो तो इसी चाक में थे कि केजरीवाल गिरफ्तार होएगा तो मैं केजरीवाल की जगह मैं ले लूं, तो उनको तो बड़ी खुशी के दिन होएगी। तो अब वो जो बोले आगे पंजाब को गिरवी रख दिया उन्होंने, कभी वो अपनी कुर्सी की खातिर सारे पंजाब के पैसे केजरीवाल के हवाले करके सारे देश में केजरीवाल को चमका रहे थे, अब वो और जो दिल्ली की जो और बड़ी ताकत है अब उनके इशारों पे नाचेंगे। न्यूज दिस वीक दी इस पेशकश दे विच फिलहाल इतना ही, इसे दे नाल मैनू दिओ इजाजत ते देश विदेश की ताजा जानकारी दे लई देखदे रहो टीवी पंजाब।